क्या आपके बच्चे भी सब्जी खाने में नखरे करते हैं? सब्जी नहीं खाते हैं तो वेजिटेबल पराठा के लिए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये वेजिटेबल पराठा रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता रेसिपी जो आप बच्चों को लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। आपके बच्चे अगर सब्जी खाना नहीं पसंद करते तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले इधर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मैंने मेथी ली है। इसे मैंने अच्छे से धोकर इन पत्तों को कट कर लिया है। साथ में मैंने ग्रीन चिली ली है यानी हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। 1 इंच इधर अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, इसे भी मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। हरी वाली कैप्सिकम है थोड़ी सी, और इधर मैं रेड वाली ले रही हूँ, कुछ धनिया पत्ता है। 1 मैंने गाजर ली है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। इधर मैंने फूल गोभी के 2 टुकड़े लिए हैं, उसको भी मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो ये हेल्दी रेसिपी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से। तो इधर मैं ले रही हूँ 3 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। साथ में इधर ऐड कर देंगे कटी हुई सारी जो वेजेस थी अपनी, इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में इधर अदरक, हरी मिर्च, मतलब जितने भी लगभग हमने सारी सब्जियां काट के रखी हैं सारी ऐड करेंगे इसी में। आप अपनी सब्जी की कितनी है ये क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकती हैं। तो इधर मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। साथ में इधर ऐड करूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जरा सा हल्दी पाउडर, इधर भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, आप देख सकती है ना ही ज़्यादा पतली है ना ही गाढ़ी है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अगर आप खाना पसंद करती हैं तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकती हैं। साथ में इधर मैंने गैस पे तवा रख दिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप कोई सी भी नॉर्मल तवे पे बना सकती हैं। तो इधर थोड़ा थोड़ा सा बैटर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, उसे चम्मच की मदद से इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। जब ये पराठा एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम पलट देंगे और इसे प्रेस करते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारा पराठा तैयार है। इसी तरीके के हम बाकी के पराठे को भी बैटर को ऐड करके बाकी के पराठे को भी सेंक लेंगे हम। इस तरीके से हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो ये बेहद पसंद आएगा। आप इसे पराठा भी बोल सकती हैं या फिर वेजिटेबल चीला भी बोल सकती हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकती हैं, लंच बॉक्स पैक करके दे सकती हैं। और ये आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। उसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है, और टेस्टी के साथ हेल्दी तो है ही, क्योंकि इसके अंदर हमने वेजेस का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। तब तक नमस्ते एंड बाय।